हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे मेंडल्स के कुछ लॉ जो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, जो बहुत ही ज्यादा लागू और वैलिड होते हैं हमारी जेनेटिक्स में, और जेनेटिक्स इन लॉज के बिना नहीं चलती कभी भी। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लॉज क्या होते हैं। लॉज ऐसा सिद्धांत होता है जब हम बार बार किसी के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं उन चीजों को लेकर के जो किसी बंदे ने पहले प्रूव कर दी है, तो फिर वो बाद में जाकर के लॉ बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर जाकर के मतलब देखो, अगर मेंडल्स की जो बातें अगर आप अप्लाई करोगे, तो अगर आपको आपको पूरा रिजल्ट वैसे ही मिल रहा है जैसे मेंडल्स ने बता दिया है, हमारे सर ने बताया है, अगर कोई और करेगा, अगर आगे जाकर के 100 साल के बाद भी करेगा, अगर फिर भी वो ऐसा ही चल रहा है, तो वो फिर एक लॉ बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपके सारे रिजल्ट क्लियर होंगे, आप सारे रिजल्ट पास करोगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले पिछला जो जितना भी रीकैप है वो सारा करेंगे। हमने पिछले जितने भी वीडियोस है उसमें हमने किया था कि मेंडल्स को क्यों इग्नोरेंस मिली, मेंडल्स की सक्सेसफुल के बारे में जो रास्ते हमने वो किए थे, हम मेंडल के हमने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रोसेस के बारे में आपको करवाया, F1 जनरेशन में कैसी जो F1 जो जनरेशन कैसी प्रोड्यूस होती है, हाइब्रिड प्रोड्यूस होती है, कैसी प्रोड्यूस है, टोटली टॉल पैदा हो जाते हैं वो आपको करवाया, F2 में जाकर के जो रिसेसिव जीन थी, जो रिसेसिव सॉरी अलील थी, अब उसने अपना एक्सप्रेस शो कर दिया जिसके कारण फिर ड्वार्फ भी पैदा हुए। तो इस तरीके से हमने जब सारे के सारे ये मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रोसेस में F1 F2 और F3 तक की हमने फिलियल जनरेशन को स्टडी किया, तो अब उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मेंडल के लॉज हैं, जो कुछ लॉज लिख देते हैं, एक लॉ नहीं है, तीन लॉ है यहाँ पे, जो कि आगे जाकर के और साइंटिस्टों ने स्टडी करके इन लॉ को वैलिड किया। ठीक है जी, तो वो लॉ कौन से हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो मेंडल के दो लॉ हैं वो लॉ जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो आपने किया देखो, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला जो है आपने देखो किया है, अच्छे तरीके से समझा भी है, और दूसरा है आपने डायहाइब्रिड क्रॉस भी किया है। तो अब ये जो दो दो इन्होंने बनाए, ये दो क्रॉस करवाए, दो क्रॉस करवा के इन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी। अब इन्हीं दो जो क्रोसेस के आधार पे जो लॉ बने हैं वो लॉ कौन कौन से हैं, डाईहाइब्रिड स्पेलिंग पहले सही लिखेंगे, डाईहाइब्रिड क्रोसेस। तो जो मोनोहाइब्रिड के क्रोसेज हैं वो कौन कौन से क्रोसेस सॉरी लॉ हैं, इनके ऊपर जो वैलिड है, इनके ऊपर जो आधारित है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी अटपटी हो रही है, पहला लॉ है। सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आपको पिछले जितने भी सारे वीडियोज है वो अगर वो क्लियर हो चुके हैं तो आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये था, और इसमें सिर्फ एक ही लॉ आता है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। अब असॉर्टमेंट का क्या मतलब, जब हम दो दो करेक्टर्स को असॉर्ट करके मतलब निकाल के उनका जब क्रॉस करवाएंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस बनेगा, तो उसके आगे जाकर के जितनी जनरेशन है जो हमने स्टडी की है वो कैसी जनरेशन है उनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में डोमिनेंट और रिसेसिव की बातें आ जाती हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये आ जाता है कि जैसे कैसे आप जीन्स को लेते हो। देखो तब तो मेंडल ने जीन्स का नेम नहीं लिया था, हम फैक्टर्स की बात करेंगे, तो फैक्टर तब उन्होंने वर्ड यूज किया था, कहते हैं कि कैसे उन्होंने फैक्टर को लिया और आगे जाकर के वो कैसे सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए जनरेशन में। ठीक है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर, हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत इजी है, अगर पिछले वाला सारा क्लियर है तो ये क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, लेकिन आपको सबसे पहले बताऊं कि जब मेंडल ने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये वाला स्टेटमेंट दिया, तब उसने कहा कि ये जो चीजें हैं मैं अभी बता रहा हूं, मैंने अभी प्रैक्टिकल किया है, मेरे को नहीं पता अब आगे जाकर कितना ये सिद्ध होगा, कितना ये सही होगा, लेकिन 99% तक ये पूरा का पूरा क्लियर मतलब ऐसा ही होगा जैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन आगे जाकर के जब जब मृत्यु हो गई मेंडल्स की, तो उसके बाद जब कई सालों के बाद जब किसी और साइंटिस्ट ने आके कॉर्नस ने आकर के एक साइंटिस्ट थे कॉर्नस ने आकर के उनके ऊपर
स्टडी की, इनके लॉ के ऊपर स्टडी की, तब उन्होंने बोला कि ये एक एक पॉस्टुलेट नहीं है, डोमिनेंस एक बात नहीं है, डोमिनेंट एक की हुई जो स्टोरी है, जहां लिखी हुई कोई स्टोरी, जहां थ्योरी नहीं है, ये एक लॉ है, ये आप कब भी कहीं पे भी किसी के भी ऊपर करोगे तो ये एक सिद्धांत बन गया है, मतलब ये पूरे का पूरा वैलिड हो रहा है। तो कॉर्निस ने अब इस डोमिनेंस को लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया, ठीक है, क्योंकि तब मेंडल तो मान रहे थे कि ये डोमिनेंस जो है ये अभी मैंने प्रूव किया है, अब आगे जाकर के पता नहीं कितना ये सिद्ध होगा कितना नहीं, लेकिन जब कॉर्निस ने इसको स्टडी किया तब ये बहुत ज्यादा के 100% पूरा लागू हो रहा था आगे जाकर के किसी के ऊपर जब प्रैक्टिकल किए गए डोमिनेंट और रिसेसिव वाले, ठीक है, तब इसको अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया था। तो 1901 की बात है ये, जब कॉर्निस ने स्टडी करके इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम दिया। तो आगे जाकर के फिर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात बताऊं, तो जैसे मेंडल्स को अभी तक पता नहीं था कि हम जीन्स की, मतलब जेनेटिक लेवल की उनको नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने जीन वर्ड का कभी यूज नहीं किया, तब उन्होंने यूज किया था फैक्टर्स का यूज कर रहे थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो आगे जनरेशन में इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, या फिर उन्होंने कहा था डिस्क्रीट यूनिट्स, कहा था डिस्क्रीट यूनिट्स कि कुछ यूनिट्स होती हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आगे जनरेशन में चले जाते हैं, और उनको अब के टाइम, अब इन फैक्टर्स को देखो, अब स्टडी किया गया, जेनेटिक्स अब बहुत लेवल तक पहुंच चुकी है, तब हम इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब ये अलील और जीन में बहुत ज्यादा फर्क होता है, को क्या फर्क है आपको बताता हूं। कई लोग अलील को जीन बोल देते हैं और जीन को अलील बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना, पहले इस पॉइंट को समझ लो, फिर आपने अलील जीन का डिफरेंस लिखना है। तो अलील जो होता है वो पेयर्स में होता है, अलील जो होता है वो पेयर्स में होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये एक अलील है पेयर में हो गई, जैसे ये एक अलील है पेयर में होगी, जैसे ये एक अलील है ये पेयर में होगी, ठीक है, एक अलील दो अलील, तो अलील हो गए दो, अलील का पेयर होता है, जब एक अलील का पेयर मिलता है, मतलब एक पेयर पूरा कंप्लीट होता है, तब एक जीन सेट बनता है, बस आप ये समझ लो, ठीक है, तब एक जीन सेट बनता है जो एक छोटा सेगमेंट होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर्स को, जो क्रोमोसोम नंबर लड़ी को बनाता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, तो आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको करवा रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कौन कौन से पॉइंट वैलिड हैं, कौन कौन से पॉइंट माने गए हैं वो आपको बता रहा हूं। तो अगला जो पॉइंट है वो उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा गया है, जहां फिर ये वैलिड होता है कि जो भी अलील, देखो अब अलील के बारे में पता चल गया, अलील हमेशा पेयर में होती है, ठीक है, अब जो भी अलील आगे जाकर के किसी जनरेशन में अपना एक्सप्रेशन शो करेगी, अपने आप को दिखाएगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी, उसको हम डोमिनेंट अलील कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट अलील कहेंगे। और ये डोमिनेंट अलील जो अपने साथ में पेयर में लेके आती है दूसरी अलील और उसको ये दबा देती है, उसका जो इफेक्ट है उसका वो शो नहीं होने देती, इफेक्ट दूसरी अलील का शो नहीं देती। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये नेक्स्ट जनरेशन में आ चुका है, तो वो कैसे आया, देखो आपने अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आपने जब स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ जब आपने क्रॉस करवाया, तब आपके पास जनरेशन बन के आई कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, और यहां पे देखो अलील का पेयर पड़ा है आपके पास, और यहाँ पे एक अलील ने अपना एक्सप्रेशन शो करवाया, लेकिन जबकि जो दूसरी वाली अलील थी वो छोटे में लिखा है हमने, मतलब अब छोटे में इसीलिए लिखा है क्योंकि उसका एक्सप्रेशन शो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट वाली जो अलील थी कैपिटल में जो लिखा है हमने, तो ये डोमिनेंट अलील मानी गई है, क्योंकि इसने अब छोटी जो रिसेसिव वाली अलील है जिसको हमने छोटे में लिखा है, इसका एक्सप्रेशन इसने दबा दिया है, ठीक है। ओनली डोमिनेंट अलील ही अपना फैक्टर शो करेगी आगे जाकर के, जो रिसेसिव वाली अलील होती है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाती क्योंकि डोमिनेंट अलील उसको दबा देती है, ठीक है जी। तो ऐसे बोलते हैं, अब जो अपना एक्सप्रेशन शो करती है उसको डोमिनेंट अलील कहेंगे, जो नहीं करती उसको हम रिसेसिव अलील बोलते हैं, क्लियर जी बात है। रिसेसिव के अगर स्पेलिंग लिखूं RECESIVE रिसेसिव अलील बोलते हैं, अगर बात क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। अगर बेटा आपको ये क्लियर हो चुका है तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के एक क्रॉस लेकर के आपको समझा देता हूं, मैंने ये पिछली वीडियो में भी करवाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेके बता देता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे वैलिड होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन्स कैसे अपना इफेक्ट शो करती हैं, जैसे मैंने यहां पे एक होमोजाइगस जो है टॉल और एक होमोजाइगस जो है ड्वार्फ मैंने पेयर रखा है, ठीक है जी, एक होमोजाइगस मतलब जिसमें दोनों सेम अलील होंगी और वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रही होंगी, ठीक है, कौन सा टॉल वाला, और यहां पे मैंने होमोजाइगस क्या रखा है आपका
होमोजाइगस ड्वार्फ अलील रखी हैं, ठीक है, जो अपना एक्सप्रेशन शो कर रही हैं। अब ये क्या हो गई, ये तो आपकी क्या हो गई, फिनोटिपिक रेशो हो गई, ये तो आपका फिनोटाइप हो गया, और ये आपका क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। तो ये आपने लिखना है, ठीक है, ये आपका जीनोटाइप है और ये आपका फिनोटाइप है। बात क्लियर, ये आप बातें क्लियर करो। और ये अब क्या है, पेरेंट्स हैं, अब इनका क्रॉस करवाया गया, जब क्रॉस करवाया, लेकिन उससे पहले हम मैं कई बार क्या करता हूँ, आपको इस तरीके से बताया था कि इन दोनों को अलग अलग लिख लो, इस तरीके से अलग अलग लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने क्यों बताया था ऐसा, क्योंकि अब ये गैमेट्स में हमने इनको अलग कर लिया, अब इनके क्या क्या बना लिए हमने, गैमेट्स बना लिए। अब ये गैमेट्स में जब हमने इसके गैमेट्स बनाए, अब अगर क्रॉस करवाओगे तो आपको ईजी हो जाएगा। कैसे, मान लो एक बार आप इस कैपिटल को स्मॉल टी के साथ, फिर इस कैपिटल को स्मॉल टी के साथ, अब इस कैपिटल को स्मॉल टी के साथ, अब इस कैपिटल को स्मॉल टी के साथ, जब आप क्रॉस करवाओगे तब आप देखोगे आपके पास हर बार रिजल्ट क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। मतलब आपके पास ये जो जीनोटाइप निकल के आई है, तो ये जीनोटाइप है, और इसके अकॉर्डिंग, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग आपके पास फिनोटाइप क्या आएगी, टोटल 100% आपके पास टॉल प्लांट निकल के आ गए हैं, ठीक है जी। अब यहां पे देखो, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर बात करें, तो लॉ जो है डोमिनेंस वाला पूरे का पूरा लागू वैलिड हो रहा है। कैसे, कि जब हमने दो होमोजाइगस टॉल प्लांट को होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ हमने क्रॉस करवाया, तब हमारे पास 100% टॉल प्लांट निकल के आए। और यहां पे देखो कि जो डोमिनेंट जीन है, जो सॉरी डोमिनेंट जो अलील है, जो डोमिनेंट जो फैक्टर है, फैक्टर की बात करेंगे, जो डोमिनेंट फैक्टर है, वो अब दूसरे वाले फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो दबा रहा है। सिर्फ जो डोमिनेंट फैक्टर वही अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है। जब अब ये कौन सी जनरेशन थी, अभी F1 जनरेशन पैदा हुई। अब F1 जनरेशन के बाद हमने इनके भी गैमेट्स बना लिए, तो ये गैमेट्स बना लिए, ठीक है, इनके कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग। अभी अब इनके गैमेट्स बना लिए, तब इनका क्रॉस करवाएगा, क्या आया, कैपिटल टी, फिर इसके साथ क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अब इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल टी का स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब F3 जनरेशन पैदा हुई, सॉरी F2 जनरेशन पैदा हुई, फिलियल 2 जनरेशन पैदा हुई, तब इसमें भी आप देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरे का पूरा वैलिड है, क्या, कि अब ये डोमिनेंट जो अलील है, ये पूरे टोटली दोनों का दोनों जो पेयर पड़ा है अलील्स का, ये पूरा डोमिनेंट है और ये अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। और इस साइड भी एक डोमिनेंट अलील है, उसने दूसरी वाली अलील का एक्सप्रेशन दबा दिया। यहां पे भी सेम है, एक डोमिनेंट ने दूसरी का एक्सप्रेशन दबा दिया है, दूसरी कौन सी है, रिसेसिव है, बेचारी कमजोर है। अब यहां पे दोनों रिसेसिव अलील है, अब इनको दबाने वाला कोई है नहीं, तो यहां पे अब ये डोमिनेंट की तरह करेक्टर अपना शो कर रहे हैं, होमोजाइगस ड्वार्फ। अब ये यहां पे ड्वार्फ जो प्लांट है पैदा हो रहा है तो ये रिसेसिव, लेकिन अब ये अपना एक्सप्रेशन शो करेंगी, क्योंकि अब इनको दबाने वाला कोई है ही नहीं। बात समझ में आई, तो यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अब क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है। अगर हम यहां पे देखें जो फिनोटिपिक रेशो है वो कौन सी है, 3:1 है, क्योंकि तीन आपके पास टॉल प्लांट है और एक आपके पास ड्वार्फ प्लांट है। अगर जीनोटिपिक रेशो देखूं जीन्स वाली, तो 1:2:1 आएगी, 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, और 1 आपका ड्वार्फ मतलब प्योर ब्रीड आपकी पैदा हो रही है, ठीक है जी। अब जो बच्चे हैं वो तो सोचते होंगे कि पता नहीं क्या बार बार वही चीजें आ रही हैं। अरे बेटा, बार बार वही चीजें नहीं आ रही, हर एक वीडियो में एक न्यू पॉइंट होता है जो बहुत ही ज्यादा डीप होता है। बायोलॉजी इसी डीप पॉइंट के ऊपर तो डिपेंड करती है। अब बायोलॉजी को अगर हल्का सा भी अगर पॉइंट आप मिस कर गए, तो आपको लगेगा कि हमें बायोलॉजी आती है, बट वहां पर आप कमजोरी होती है, आपको बायोलॉजी नहीं आती होती, ठीक है। तो यहां पर देखो, बात बेशक आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने दोबारा से ड्रॉ किया, लेकिन तब मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में नहीं बताया था, तब मैंने वैसी बातें आपको नहीं बताई थी जो अभी इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे आपके पास आ जाती हैं। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो देखो कि कई जगहों पर अब वैलिड हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसी जगह आ गई जहां पे जाके ये वैलिड नहीं हुआ, वो कौन सी जगह थी। जैसे आपके पास आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का, अब एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन केस तो देखो हर जगह पे आ जाते हैं, जब भी कोई चीजें प्रूव होती हैं तब वहां पे एक्सेप्शन केस तो आएंगे आएंगे। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो, अगर आप बोलो कि हमने ये प्रैक्टिकल प्रूव कर दिया है, तो वहां पे भी एक्सेप्शन केस आएगा कि यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है जी। तो एक्सेप्शन केस तो हर जगह बन जाते हैं, तो इस जगह पे आप ऐसा नहीं बोलना कि सर ने तो बोला कि 100% वैलिड होती है, तो यहां पे तो एक्सेप्शन खुद दे रहे हैं सर, इसका मतलब ये तो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस तो गलत है। गलत नहीं हो सकता, मतलब आप अगर बात करें पूरी जेनेटिक्स की, जो वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जो जीन्स की बात कर रहे हैं, जो आगे ट्रांसमिट होते हैं, वो इन्हीं बातों से तो चल के आगे बढ़ा है, तो इन्हीं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से तो आगे बढ़ी है जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये तो लॉ है पूरे का पूरा,
होगा, ये तो सिद्धांत बन चुका है। अब एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, पहला एक्सेप्शन जो आज आपके पास आ जाएगा वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें जो भी आएगा वो आपका एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, जो कि थोड़ा ही एक अलग टॉपिक है ये। और दूसरा है आपके पास को डोमिनेंस, ये भी आपको आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। तो ये जो है अभी इस वीडियो में कवर तो नहीं हो सकता, जो एक्सेप्शन केस थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन केस थे जिसपे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस वैलिड नहीं हो रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है जी। अब दूसरी बात आ गई, अब जो नेक्स्ट वाला है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये आपका सेकंड लॉ आ गया जो मेंडल का लॉ था। तो हाँ यहाँ पे एक चीज और है, तो जब कॉर्नस स्टडी कर रहे थे तो कॉर्नस ने बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मेंडल का फर्स्ट लॉ रहेगा। अगर मैं बोलूं मेंडल का फर्स्ट लॉ कौन सा है तो आप बोलोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्यों? अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को फर्स्ट लॉ क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने, जैसे अभी आपने बोला, मैंने कहा कि 100% लागू हो रही थी, तो कुछ साइंटिस्टों ने जब स्टडी किया तब देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है, को डोमिनेंस वाले केस आ रहे हैं जिसपे लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू नहीं हो रहा, तो उन्होंने इस चीज को लॉ नहीं माना, ठीक है। कई लोगों ने लॉ माना लेकिन कई लोगों ने अब इस चीज को लॉ नहीं माना। जब पूरी कमेटी में अब सब अगर सभी वोट करेंगे कि ये लॉ है तो ही फिर वो लॉ माना जाता है, अदरवाइज वो लॉ नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन बुक्स में लिख देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये मेंडल का फर्स्ट लॉ माना जाता है, ये भी कॉर्नस ने ही स्टडी करके बताया कि अगर हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप लॉ नहीं मानते तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो 100% वैलिड होगा, इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन केस नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगर आता है या नहीं आता है वो हम आगे देखते हैं, वैसे तो नहीं आता, ठीक है जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहां पे उसने नाम दिया, एक और नाम लिखा गया, तो लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग, नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील। अब देखो अलील का मिक्स थोड़ी होता है, मैं अगर बात करूं सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट हो जाना, जैसे ये कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल टी, जब इनका क्रॉस करवाया तो आपके पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो देखो सेपरेट हो गई ना, एक जीन यहां से सेपरेट हो गई, एक अलील यहां से सेपरेट हो गई, तो मैं जीन कई बार बीच में बोल देता हूं, तो जीन नहीं बोलना, तो ये अलील होती है। और आप अलील भी नहीं बोलोगे, आप फैक्टर बोलोगे, ठीक है। एक फैक्टर यहां से सेपरेट हो गया, एक फैक्टर यहां से सेपरेट हो गया, तो जाकर के उन्होंने एक पेयर बनाया अलील्स का, एक फैक्टर का एक पेयर बनाया, जो कि एक न्यू जिसने फिनोटिपिक तैयार की। अब यहां पे देखो क्या दो जीन, दो सॉरी दो दो फैक्टर आपस में क्या मिक्स हो रहे हैं? मिक्स होने का मतलब अगर मैं बात करूं पानी में नमक डाल के जो आप मिक्सिंग करते हो, क्यों वैसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो ये मिक्सिंग नहीं होती, इसमें मिक्सिंग नहीं होती, इसमें सेपरेट होते हैं, सेपरेट होकर के एक पेयर बना देते हैं। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, तो दूसरा तीसरा नेम इसका क्या होता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब यहां पे पूरी प्योरिटी होती है गैमेट्स की, ऐसा नहीं है कि मिक्स होकर के, जैसे पानी में शुगर या नमक मिला के मिक्स कर दिया वो प्योरिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। प्योरिटी होती है जीन्स फैक्टर्स की, फैक्टर सेपरेट होकर के एक पेयर जरूर बनाते हैं और वो आगे जाकर के अपनी प्योरिटी शो करते हैं। वो कैसे शो करते हैं? जैसे मैंने आपको डोमिनेंस वाला लॉ समझाया था, कैसे शो करेंगे? अगर वो डोमिनेंट अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, अगर वो रिसेसिव में अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे, अगर दोनों रिसेसिव फैक्टर इकट्ठे हो जाएं तब अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, तो ये प्योरिटी होती है, ठीक है जी। तो आपकी जो नेक्स्ट जो मेन बात है वो ये होती है कि जब जो टू अलील होती है ना, ठीक है, वो आपस में मिलकर के, देखो अब ये टू अलील आपस में क्या मिलकर के, जब आप फैक्टर बात कर लो, जब देखो अलील की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब देखो कॉर्नस ने स्टडी किया है, कॉर्नस ने स्टडी करके इनको लॉ बना दिया है। अब देखो कॉर्नस तो काफी आगे जाकर के स्टडी किया ना, तो जेनेटिक्स ने अब फैक्टर्स को अलील और जीन बोलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है जी। तो अलील और जीन बोल दिया मैंने गलती से, अलील अलग होता है और जीन अलग होता है। मैंने आपको बताया कि जब अलील का पेयर इकट्ठा हो जाता है, एक हो जाता है, तब फिर एक जीन सेट बनता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं जब अलील का पेयर बनेगा, जैसे टी और स्मॉल टी, अब अगर इस तरीके से एक अलील का पेयर बनेगा, तब ये पेयर बनकर के दो अलील, अगर मैं बात करूं, अगर दो अलील है, देखो है तो दो अलील, पेयर एक बनाया और ये सिर्फ एक करैक्टर को ही कंट्रोल करेंगे, ओनली वन करैक्टर को ही कंट्रोल करेंगे, ठीक है जी, बात समझ रहे हो। दोनों आपस में मिलकर के सिर्फ एक करैक्टर को ही कंट्रोल करते हैं। अब दूसरी बात है, अब ये इनका सेपरेट होना बहुत जरूरी है। जैसे ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब आगे जाकर के ये गैमीट्स बनेंगे, पहले तो ये गैमीट्स बनेंगे, इनका
सेपरेट होगा, कब सेपरेट होगा, जब मियोसिस होगी, ठीक है। अगर सेपरेशन होगा, अगर सेग्रीगेट होगा, फिर ही आगे जाकर के ये किसी करेक्टर के साथ पेयर बनाएंगे और फिर बन करेक्टर को जाकर के ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मैं एक टेबल बना करके, एक आपको क्रॉस बना करके समझा देता हूं कि कैसे जो अलील्स होती हैं वो सेपरेट होकर के किसी के साथ जाके पेयर बना के अपना जो है करेक्टर, किसी एक करेक्टर को जाके कंट्रोल करती हैं, वो कैसे करती हैं। देखो यहां पे मैंने टॉल प्लांट रखा है, चलो टॉल टॉल वाली जीन रखी है, यहां पे मैंने डवार्फ वाली जीन्स रखी है, ठीक है। अब जब इनके गैमिट्स बनेंगे, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, अगर गैमिट्स बनेंगे तो इस तरीके से बनेंगे, चलो इन अगर इन दोनों के गैमिट्स बनाऊं तो एक दो गैमिट्स इधर बने और दो गैमेट्स अब इधर बने, तो अब इनका जो होगा, देखो अब इनका सेग्रीगेट होगा, सेपरेट होंगे, इनमें से एक जीन जाके दूसरे, इनमें से एक अलील जाके दूसरे वाले सेट की एक अलील के साथ जाकर के क्या बनाएगी, एक पेयर बनाएगी, जो कि सिर्फ एक वन करेक्टर को ही कंट्रोल करेगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। जैसे मैं यहां पे दिखाऊं, एक बॉक्स लगा करके बना के दिखा रहा हूं, तो मेरे पास ये रहा, तो यहां पे मैं रख रहा हूं स्मॉल टी स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल टी कैपिटल टी, तब ये जाकर के क्या बनाएंगे, स्मॉल टी कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहां पे जीन्स का क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया, सेपरेट हो गए, और इस सेट वाली जो जीन लील थी, इस सेट वाले जो अलील थे वो दूसरे वाले सेट के अलील के साथ जाकर के क्या कर गए, पेयर बनाया, और पेयर बनाने के बाद जो पेयर बने वो इस तरीके से बने और उन्होंने वन करेक्टर को कंट्रोल किया। वन करेक्टर कौन सा है, दो लील ने मिलकर के एक करेक्टर को कंट्रोल किया, वो कौन सा, टॉल का। अब जो जितने भी प्लांट्स पैदा हुए वो सारे के क्या हो गए, टोल पैदा हुए, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं इनका, अगर जीन्स का सेपरेट करूं, इनके इनके गैमिट्स बनाऊं, तो इनके गैमिट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मेरा पेन खत्म हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से जो गैमिट्स बनेंगे, तो चलो जितना भी हो रहा है तो देख लो एक बार समझ लो। तो अब इनका जो क्रॉस होगा वो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें क्या होगा, देखो अब इस वाले पेयर के जो भी अलील थे वो दूसरे वाले पेयर के साथ जाकर के एक एक करके उन्होंने अपना पेयर बनाया, और जो के अब जो पेयर बना उन्होंने अब एक एक सिंगल सिंगल करेक्टर को ही क्या किया, कंट्रोल किया। जैसे ये कैपिटल डी कैपिटल, मतलब प्योर वेराइटी आ गई, प्योरिटी आ गई जीन्स में, ठीक है, प्योरिटी क्या आ गई, अब ये टोटली टॉल होंगे, ये टोटली ड्वार्फ होंगे, ये भी प्योरिटी आ गई। अब इसमें एक ड्वार्फ है, सॉरी इसमें एक जो है ड्वार्फ वाली अलील है, एक टॉल वाली अलील है, लेकिन अब एक करेक्टर को ही कंट्रोल करना है, तो कौन से करेक्टर को करेंगे, टॉल वाले को करेंगे, इसमें से भी सेम उसी को करेंगे, ठीक है जी, बात समझ रहे हो। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेटा ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेरा बिल्कुल पॉइंट पे आके पेन भी खत्म हो गया और आपका टॉपिक भी खत्म हो गया। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट दो लॉ हैं, जो कि आपको समझ आने बहुत जरूरी है, इनका जो बेस है, इनका जो मेन मोटिव है कि क्या बोलना चाहते हैं, ये आपको समझ में आना जरूरी है, फिर ही आप जेनेटिक्स में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच।